एक ऐसी सती से हमारा सामना हो गया, ऐसी पतिव्रता से हमारा सामना हो गया कि हम खाली हाथ संसार से आपके सामने आए हैं। यमराज पंडित के कौन है? पंडित के महाराज उस सत्यवान की धर्म पत्नी है जिसका नाम सावित्री है। उसने पतिव्रत धर्म धारण कर रखा है और वो अपने तप से, अपनी शक्ति से, अपने धर्म से ज्वाला प्रकट कर रखी है। सजनों यमराज बड़े व्याकुल हो जाते हैं, यमभास हाथ में लेते हैं, अपने झोटे पर सवार होते हैं और दूसरी बार यानी यमराज हमारे भारत की भूमि के ऊपर दो बार आए हैं। दूसरी बार उस बनखंड में सावित्री के पास में जाते हैं और सावित्री को जाकर के वार्तालाप करते हैं। सावित्री जी आप कौन हैं? मुझे यमराज कहते हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आयुष्मान कहीं महाराज आज आपका पृथ्वी लोक पर कैसे आना हुआ है? तेरे को तो अच्छी तरह से पता है, तूने आज मेरे यमदूतों को खाली हाथ भेज दिया। तुम्हारा पति की आयु समाप्त हो चुकी है और मैं इसके प्राण लेने के लिए आया हूँ। महाराज मैंने एकादशी के व्रत किए हैं, उनका फल मुझे नहीं मिला है। मिल तो गया। कब? कहा? अब यहाँ। कैसे? ये व्रत करने का फल तेरे को ये मिला कि उन व्रतों के प्रताप से तेरे को यमराज भगवान के दर्शन हो गए। नहीं महाराज, मैंने किसी भगवान के लिए व्रत नहीं किए थे, मैंने वो व्रत मेरे पति के लिए किए थे और मैं अपने पति को भगवान मानती हूँ। सावित्री यमराज को बड़ी गालने शुरू कर दी। पहले ही नंबर में यमराज को झटका लगाया कि मैंने किसी भगवान के लिए व्रत नहीं किए, मैंने तो अपने पति के लिए व्रत किए थे और मेरे लिए मेरे पति से बड़ा कोई भगवान नहीं। यमराज क्या कर रहा? सावित्री जी देखिए, समझ, संसार का नियम है कि पैदा सोना पैद जगत में सदा रहे ढेरा ना, जीते जी की तेर मेर मरा पछ मिट बसेरा ना, यो सूक्ष्म जीव निकल जाएगा जब कोई तेरा कोई मेरा। देखिए महाराज मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ। ये तो हर औरत का धर्म है, तू क्या नया काम कर रही है? महाराज जब तक मेरे पति मुझे नहीं कहेंगे यहाँ से उठने के लिए तब तक मैं नहीं जाऊंगी। मैं किसी दूसरे का सच में सावित्री मानी नहीं, पर यमराज हुए हैं हताश, अपनी माया फैला दई, सत्यवान को जगा दई है। यमराज ने अपनी माया फैलाई और सत्यवान को प्यास से लगी। जो ही सत्यवान ने पानी मांगा अब वो सती दुविधा में पड़ गई। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, अब क्या करूं? यदि पति का कहन मान करके पानी लेने के लिए जाऊंगी तो यमराज खड़ा है पति के प्राण खींच लेगा, और पति का कहना नहीं मानूंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए। मन ही मन कौन पुकार करते हैं कि परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दे, ऐसी विकट घड़ी के अंदर मुझे क्या करना चाहिए? सजनों उस सती को आभास होता है कि पति के प्राण जाए तो जाए, बाकी पतिव्रत धर्म नहीं जानना चाहिए। सावित्री अपने पति का कहन मान करके और पानी लेने के लिए चली जाती है, होता क्या है? सावित्री जी महाराज प्यास बहुत लगी हुई है। जी महाराज भी अभी पानी लाती हूँ, आप आराम कीजिए। सती पानी लेने को गई और नहीं रहा कुछ ध्यान, पीछे से यमराज ने सत्यवान के खेच लिए, खेच के प्राण यमराज को चलते बने। काफी देर के बाद में सावित्री पानी लेकर के आई। पानी तो वहां पहुंचा दिया क्योंकि उसका फर्ज था, उसका धर्म था कि पति के कहने के अनुसार पानी लाना था। लेकिन सावित्री तो पहले से समझ चुकी थी कि यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो मिट्टी पड़ी है, प्राण तो यमराज ले गए। सजनों वो सती यमराज का पीछा करती है। पति की बात सुनना चाहिए। लीजिए महाराज, पानी पीजिए महाराज। लगता है यमराज ने अपना कार्य कर लिया है और यहाँ रोने से कोई फायदा नहीं है। कोई ऐसी विसी बिरबा नहीं हो ना, उस जगह बैठ के दुआड़न लाग जा, गुगावन लाग जा। लेकिन वो सती थी, समझ गई कि यार रोने से कोई फायदा नहीं होगा। यमराज का पीछा करती है और 400 योजन, एक योजन में चार कोस होती हैं,
पृथ्वी से और यमपुरी की जो दूरी है उसका प्रमाण मिलता है कि पृथ्वी से यमपुरी की जो दूरी है वो 400 योजन की है। 400 योजन तक यमराज के पीछे आती है। यमपुरी की सीमा पर जाकर के यमराज खड़े हो गए, सावित्री जी महाराज तो बहुत देर से मेरे पीछे आ रही है, यहां तक तो आ गई है लेकिन यहाँ से आगे नहीं जा सकती। क्यों महाराज? क्योंकि यहाँ यमपुरी की सीमा शुरू हो गई है। अच्छा, यमपुरी की सीमा में यानी यमपुरी में सिर्फ प्राण जा सकते हैं, शरीर नहीं जा सकता। महाराज पहली बात तो मैं आपका पीछा नहीं कर रही हूँ, तो मैं अपने पति के प्राणों का पीछा कर रही हूँ। अच्छा जी, जी हाँ। तेरे को प्राण दिखाई दे रहे हैं? जी महाराज। अच्छा अच्छा, महाराज मेरे पति के प्राण दे दीजिए। बिल्कुल नहीं महाराज, आप कितना अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ। ये तेर मेर तुम्हारे संसार में, हमारे यहाँ कोई मोह ममता लागू नहीं है महाराज। तो आप मेरे भी प्राण ले लीजिए। मैंने पागल समझ रहा क्या, समय से पहले तेरे प्राण ले लूंगा? तो महाराज मैं भी जाऊंगी यहाँ से, नहीं जाएगी यहाँ मेरे से। तू एक काम कर, मेरा पीछा छोड़ और अपनी जिंदगी देवी, एक काम कर तू अपनी जिंदगी सुख से बिताने के लिए मेरे से वरदान ले ले। वरदान में सारे संसार का राज मांग ले तेरे को दे दूंगा, लेकिन सत्यवान के प्राण किसी हालत में नहीं दे सकता मैं। महाराज वरदान देना सत्य? बिल्कुल महाराज, वरदान तो मैं ले लूंगी लेकिन पहले आपको वचन देनी पड़ेगी। वचन? जी हाँ। नहीं माने? जी नहीं। लेकिन सत्यवान के प्राण नहीं दूंगा, जो मांगोगी वही मिलेगा। मैं वचन देता हूँ। ठीक है महाराज, मैं आपसे तीन वरदान। सत्यवान के प्राण नहीं मांगेगी और ना मैं प्राण दूंगा महाराज, मेरे पति का नाम ही नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात मांगी, तो सुनिए। हाँ, जल्दी कर ले, मेरे पास में टाइम नहीं, मेरे यमपुरी में काम है मुझे। तीन वचन भरे के सतीना कर दिए शुरू बयान। अच्छा जी, बड़े यमराज के सावित्री होती है। सावित्री ने अपनी सुख सुविधा मांगने से पहले, अपना सुहाग मांगने से पहले अपने पिता के लिए मांगना शुरू कर दिया। कहने लगी महाराज मेरे कोई भाई नहीं है, पहले वरदान में अपने पिता के सौ भाई चाहती हूँ, सौ पुत्र चाहती हूँ। सावित्री जी बिहार पिता के भाग में पुत्र सुख नहीं लिखा है, सौ नहीं हो सकते, बाकी सौ के जैसा बलवान एक पुत्र तुम्हारे पिता के हो जाएगा, जिसका मालवीय नाम होगा और उसी के नाम से तुम्हारे पिता का वंश चलेगा। एवं वस्तु तथास्तु। ठीक है महाराज, नंबर दो की बात को सुनिए। मांगे जितना भोजन तू उतना सुख पे अंदाज करो, उस चोंड लाई ने मार मेरे ससुर के सर पे ताज धरो, उस चोंड लाई ने मार मेरे ससुर के सर पे ताज धरो। सलम देश का महाराज जितना भोग्या तुकू उतना सुख पे
तुम्हारे ससुर का राज छीना है, वो चोल टाइम एंट्री खत्म हो जाएगा और तुम्हारे ससुर का राज ताज सब तुम्हें वापस मिल जाएगा। जी भाई, मस्तु तथास्तु। महाराज, मेरे पति का नाम नहीं आया, इसीलिए मैंने वरदान दे दिया। अच्छा, हाँ एक वरदान बकाया हो और मांग ले और फिर छोड़ मेरा पीछा। ठीक है महाराज। हाँ, क्या करना चाहिए? हाँ, सास ससुर महाराज, मेरे सास ससुर अंधे अंधी कुछ उनका ख्याल करो, और फिर पैसे कंगाल हुए उन्हें माला माल करो। मेरी कोक से लाल करो, मेरी कोक से लाल करो, मेरी कोक से लाल करो, मेरे हुई नहीं जैसा बकरी ऐसा ही होगा तन पीली लड़का। जी महाराज, महाराज तुम्हारे सास ससुर की नेत्र ज्योति आ जाएगी, जीवन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। महाराज, हाँ, एक मेरे निष्कलंक पुत्र होना चाहिए। तुम्हारे निष्कलंक पुत्र भी हो जाएगा। हे मस्तु तथास्तु। ठीक है महाराज, तेरे तीन वरदान पूरे हो गए। जी, अब छोड़ मेरा पीछा, जा वापस और जाने दे मेरे को। महाराज, आप मुझे क्या समझते हैं? बहुत बड़ी पतिव्रता? नहीं महाराज। क्यों, आप मुझे कोई कोटी वाली समझते हैं? बेटी, अपने मुख से क्या कर रही है तू? मेरे जैसी महासती है, मुख से ऐसे छोटे से बच्चे भी लगे। नहीं महाराज, मैं कोई सती नहीं हूँ। सती नहीं है, क्या कहना चाहती है? आपने वरदान क्या दिया है मुझे? ने मांगा होते दिया, निष्कलंक पुत्र होने का। हाँ, निष्कलंक पुत्र होने का वरदान तेरे को दे दिया, हो जाएगा, फिर दिक्कत क्या है? महाराज, मेरे पति के प्राण आप लेकर के जा रहे हैं। हाँ, ये बात। और मेरे पुत्र होगा। हाँ, तो मेरे कलंक नहीं लगेगा। किसी और मर्द से अगर मैं लड़का चाहूंगी तो मेरे कलंक नहीं लगेगा। हेलो, दुनिया क्या सोचेगी? हेलो माय डियर, और महाराज मेरे मांगा है निष्कलंक पुत्र। मेरे पति के प्राण लेकर के जा रहे हैं और मुझे पुत्र होने का वरदान दे रहे हैं। सावित्री, तेरे सत्य धर्म ने भुला दिए सब होश, मैं तो अपने ही वचन से दुखी हूँ, बेटी नहीं है तेरा दोष। पता नहीं था हमको तुझको है मुझसे भी ज्यादा ज्ञान, भोली भाली बन करके सावित्री मेरे कतर लिए है। तुम मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तो मेरी इज्जत मेरी लज्जा सब कुछ तेरे हाथ में आ गई है। बेटी, कोई उपाय नहीं है इसके प्राण छोड़ने का, सिर्फ एक उपाय है, वो तेरे हाथ में है। कौन सा महाराज बताओ? जी, कि तुम्हारा पिछले जन्म का वृतांत है। पिछले जन्म के अंदर तुम्हारा नाम नर्मदा था और सती अनुसुईया की दासी थी। तुम्हारी शादी गपंग के साथ में हुई थी और तुम्हारे शहर में मांडू ऋषि को सूढ़ी चढ़ाया जा रहा था। जी, उसे तुम्हारे अपंग पति की इच्छा होगी उस मांडू ऋषि को देखने की। तुमने अपने पति को टोकरे में बैठा और वहां ले गई। उस टोकरे की रगड़क मांडू ऋषि को लग गई थी और मांडू ऋषि ने तुम्हारे पति को श्राप दे दिया था कि सूर्य उदय होने के साथ ही तुम्हारा पति खत्म हो जाए। जी, लेकिन तूने पिछले जन्म में भी ऐसी कठिन तपस्या शुरू कर दी। ऐसा तप लगा दिया कि 11 दिन का वक्त बीत गया था लेकिन सूर्य उदय नहीं हो सका। ऋषियों के समझाने पर नहीं मानी, देवताओं के समझाने पर नहीं मानी। उस समय भी तेरे लिए मैं इस पृथ्वी लोक पर आया था और तेरे को समझाया था। तूने अपनी 400 साल की उम्र मेरे पास में जमा करवा दी थी और स्वयं अपने अपने पति के साथ में सती हो गई थी। बेटी, वो पिछले जन्म की 400 साल की उम्र तेरी मेरे पास में जमा है। यदि उनमें से 200 साल भी तो अपने पति के नाम संकल्प कर देगी तो तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा, पुत्र मिल जाएगा और मेरी यमपुरी का नियम भी बरकरार रह जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। ऐसी बात है? हाँ, तो महाराज, में अपनी 400 साल अपने पति के नाम संकल्प करती हूँ। 400 की 400 ही? जी महाराज। धन्य वो सती, ऐसी सती जिसने अपनी 400 की 400 साल दे दी। लेकिन बेटी, इस संसार में आज आकर के और तेरे साथ में उलझ करके पकड़ लेकर के एक शिक्षा मुझे भी लग गई। कौन सी बताता हूँ? Yeah!
चलिए इस प्रकार सत्यवान और सावित्री की जो कहानी थी, जो सांग था, जैसा भी मेरे टूटा फूटा याद था मैंने आपको सुनाया, इसमें कोई गलती कोई खता हुई है तो उसके लिए माफी चाहिए।